हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जिस शॉर्ट स्टोरी पर वीडियो लेकर आया हूँ, इसकी डिमांड कुछ फ्रेंड्स ने की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी है द डेविल बाय गी द मॉपसान। ये एक फ्रेंच राइटर हैं जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, जब स्टोरी की शुरुआत होती है तो जुलाई का महीना होता है और 92 इयर्स की एक लेडी है जिसका नाम है मदर बॉन्टेम्प्स। ये जो मदर बॉन्टेम्प्स हैं, ये बीमार हैं और इनका बेटा है जिसका नाम है होनेर बॉन्टेम्प्स। ये होनेर बॉन्टेम्प्स ने एक डॉक्टर को बुला रखा है अपनी मदर को दिखाने के लिए। अब जब डॉक्टर साहब मदर को देख रहे हैं तो होनेर उनसे पूछता है कि सर, मैंने ना आज जाकर जो मेरी वीट की फसल को काट काट रखा और मैंने उसे घर पर लेकर आना है। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई, तुम्हारी मदर की तो डेथ होने वाली है, अगर तुम फसल को लाना चाहते हो तो तुम क्या करो, यहाँ पर एक पर्सन है जिनका नाम है रैपिड, आप उनकी वाइफ को बुला कर लाओ, वो आकर तुम्हारी माँ का ध्यान रखेगी। और वो कहता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया और अपनी मदर को अकेला छोड़ दिया तो आगे से मैं कभी आपका ट्रीटमेंट नहीं करूँगा। तो होनेर जो है वो जाता है और वो जो ओल्ड लेडी है जिनका नाम है मिसेज ला रपट, ये एक ओल्ड वाशर वीमन है जो कि मर रहे लोगों का ध्यान रखती है, यानी कि ये एक डेथ नर्स है। उनेर उनके पास जाकर उनसे उनके चार्ज पूछता है तो वो बताती है कि मेरे दो चार्जेस हैं, एक अमीर लोगों के लिए, एक गरीब लोगों के लिए। फिर वो कहती है कि मैं आपसे डेली के 2500 चार्ज करूँगी। ये एक फ्रेंच वर्ड है जो वहाँ की वैल्यू है पैसे की, वो सॉस में आती है। होनेर लारपेट से कहता है कि मैडम, आप मेरे को एक फिक्स चार्ज बताओ। तो वो कहती है कि चलो, मैं पहले तुम्हारे घर जाके तुम्हारी मदर को चेक करती हूँ कि तुम्हारी मदर की कंडीशन क्या है। फिर वो जब मदर को चेक करती है, फिर वो कहती है कि मैं आपसे 6 फ्रैंक पेमेंट चार्ज करूँगी। अब वो ये पहली बार ऐसा होता है कि उससे किसी पर्सन ने फिक्स चार्जेस तय किए हों डेथ के ऊपर, क्योंकि वो होनेर ये कहता है कि हो सकता है मेरी मदर बहुत ज़्यादा बीमार है, वो जल्दी मर जाएं, तो उससे क्या होगा कि उससे मेरे को नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी मदर लेट मरती हैं तो उससे आपको नुकसान होगा। तो इसलिए वो फिक्स चार्जेस पे तय कर लेता है कि अब अपने एक फिक्स चार्ज ले लेंगे। कहता ठीक है। इसके बाद में जब वो घर पर आती है लारपेट, तो वो मदर बॉन्टेम्प से पूछती है कि मैडम, क्या आपके आपके लास्ट सैक्रामेंट हो गए हैं, मतलब जो जैसे अपने कहते हैं ना कि लास्ट में आकर एक बार कोई आपके जो भी कार्य रिचुअल्स हो वो कंप्लीट हो गए हैं। तो मदर बॉन्टेम्प्स कहती है कि नहीं, हमारे तो लास्ट रिचुअल्स नहीं हुए हैं। तो लारपेट जाती हैं और वो एक प्रीस्ट और कोर बॉय को लेकर आती है और मदर बॉन्टेम्प को लास्ट रिचुअल्स कंप्लीट करवाती है। ये बात जब जब ऐसा कुछ किया जाता है, वो प्रीस्ट आता है और गली के अंदर वो घंटी बजती है तो सारे लोग देखते हैं और वो उस मर रहे आदमी के लिए प्रेयर करते हैं। और पूछता है किसके लिए है, तो पता चलता है कि ये तो उसकी मदर के लिए है। अगले दिन और इसके बाद में वो प्रीस्ट वगैरह चले जाते हैं। अगले दिन जब लार रपेट सुबह 5 बजे होनेर के घर आती है तो वो क्या देखती है कि मदर बॉन्टेम्प की हालत में सुधार हो गया है, क्योंकि होनेर को ये बात पहले पता थी कि मेरी मदर जो है उनकी जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत जल्दी उनकी डेथ नहीं होगी। भले ही डॉक्टर ने ये कह दिया कि ये आज या कल में उनकी डेथ हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होगा। तो जब लार रपेट ये बात देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। पहले तो वो ये सोचती है कि मैं मदर बॉन्टेम का ना गला दबाकर उनको मार दूं। फिर वो कहती है कि इसमें तो मैं पकड़ी जाऊंगी। फिर वो मदर बॉन्टेम से पूछती है कि क्या आपने कभी डेविल को देखा है जो मरने से थोड़ी देर पहले आता है। फिर वो बताती है कि डेविल के सर पर ना एक सॉस पैन, एक पतीला होता है, उसके एक राइट हैंड में एक झाड़ू होती है और वो जोर जोर से रोता है। जो कोई भी डेविल के इस रूप को देख ले ना, वो हैंड टू हैंड मर जाता है। इसके बाद में ये बात सुनकर मदर बॉन्टेम्प तो उधर मुँह कर लेती है और लार रपेट क्या करती है कि वो
बॉन्टैम के घर से अलमीरा से एक चादर निकालती है, उसे अपने सर पर लगा लेती है, और जैसा उसने बताया था कि डेविल का जो रूप उसने बताया था कि सर के ऊपर एक पतीला हो गया, हाथ में एक झाड़ू होगी और एक हाथ में वो एक एक बाल्टी ले लेती है, और उस बाल्टी को वो ज़ोर से ज़मीन पर फेंकती है ताकि शोर हो जाए। मदर बॉन्टैम ये सब देख कर डर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद लारा पेट जो है वो आंखें बंद कर कर प्रेयर करती है, वो प्रेयर करती है। शाम को जब ओनर आता है तो उसको पता चल जाता है कि मदर की डेथ हो गई है, तो वो ये काउंट करता है कि लारा पेट मेरे घर में 3 दिन और 1 रात रही है, तो इसके हिसाब से उनके 5 फ्रैंक बनते हैं जबकि उन्होंने मेरे से 6 फ्रैंक चार्ज किए हैं। तो ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी हमें ये बताती है कि हर एक करेक्टर जो है वो ग्रीड के ऊपर है, हर एक करेक्टर लालची है, हर करेक्टर का हर एक्शन जो है वो ग्रीड को शो करता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि डेविल एक मिथ है, शैतान एक मिथ है। एक्चुअली क्या है, शैतान के बदले जो हमारे अंदर की जो भावनाएं है ना वो हमारे सामने आती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।